अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने अमान में रखे, सबकी जायज़ मुरादें पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दें, पास में जो बेल का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। आज हम हरीरा बनाने जा रहे हैं, कुछ लोग इसे राब भी बोलते हैं। ये सर्दियों में आप बनाएं, रात के टाइम बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी रहता है। ये गुड़ की राब, ये मैंने 4 टेबलस्पून मैंने घी लिया था और उसमें मैंने 1/2 कप के करीब आटा यूज़ किया। इसको हम अच्छे से ब्राउन होने तक हम इसको चलाएंगे। ये हल्का ब्राउन हो चुका है, अभी थोड़ा और इसको हम पकाएंगे। आटा हमारा अच्छे से भुन जाना चाहिए। ये देखिए 4 से 5 मिनट होने आए, अच्छे से भुन चुका है हमारा आटा। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, हम 2 कप के करीब पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ आप अपने हिसाब से डालिए, ज़्यादा ही कम। अगर ज़्यादा मीठा लेते हैं तो आप ज़्यादा यूज़ करें डालें इसमें, और कम यूज़ करते हैं तो कम डालें। मैं इसमें 1 टीस्पून एक शुगर भी यूज़ करूँगी, 1 टीस्पून ही डालूँगी। देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है। हम 1 मिनट और अच्छे से चला लेंगे इसको। हम शुगर ऐड कर दिए, इसको भी अच्छे से पका लेंगे। और ड्राई फ्रूट हमने थोड़े फ्राई कर लिए थे, अब उसको भी हम थोड़े दरदरे कूट के उसको ऐड कर देंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें गोंद भी डाल सकते हैं, गोंद भी इसको फुला के आप एंड में इसमें इस वक्त डालिए। पहले घी में आप गोंद को फुला सकते हैं, फुला के निकाल लें, फिर इस वक्त आप उसको ऐड करें, उसका भी टेस्ट एक अलग ही आता है। मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने नहीं डाला है, आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, आप बनाएं तो ज़रूर यूज़ डालें उसमें राब के अंदर। मैंने 1/2 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर यूज़ किया है। देखिए हमारा मिनटों में बन चुका है। 5 से 6 मिनट लगते हैं इसको बनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ज़्यादा थिक मत रखिए इसको, बिल्कुल ऐसा ही थिन, आप जैसा चाहें, थोड़ा ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा रखें। मैं बस अब इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये हमने डिश आउट कर लिया, अब इसको हम गार्निश कर लेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट ऊपर डाल के। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, टेस्ट में भी ज़बरदस्त है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।